सोमवार से चल रहा बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज खत्म हो जाएगा। 5 दिनों के इस मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और इस आखिरी दिन विधानसभा और विधान परिषद में कई महत्वपूर्ण कार्य निपटाए जाएंगे। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल लिए जाएंगे, साथ ही साथ सरकार अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों का जवाब देगी और फिर कई महत्वपूर्ण कार्य आज निपटाए जा रहे हैं। क्योंकि बता दें आपको कि मॉनसून सत्र काफी छोटा था, 5 दिनों तक चलने वाला मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और इसको लेकर के विधानसभा और विधान परिषद में जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको निपटाए जाना है और फिर विधानसभा की कार्यवाही जब 11 बजे से शुरू होगी तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल होंगे, उसके बाद सरकार इसका जवाब देगी। जो अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों का जो सवाल था उसका सरकार जवाब देगी। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही होगी। शून्यकाल के बाद सदन में अब तक स्थगित ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकार का आज जवाब आएगा। बीजेपी विधायकों की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पिछले दिनों जो ध्यानाकर्षण सूचना लाई गई थी उस पर सरकार का जवाब अब तक नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश सरकार सदन में अपना रुख स्पष्ट करेगी। बीजेपी विधायक विजय कुमार खेमका, अवधेश सिंह समेत अन्य विधायकों की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण नीति तय करने के संबंध में सरकार से जवाब की मांग की गई है। स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में आज सरकार की तरफ से जवाब देना है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जेडीयू और बीजेपी का स्टैंड अलग अलग है। बीजेपी जहां इसके लिए कानून बनाने की जरूरत बता रही है तो वहीं जेडीयू का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की बजाय जन जागरण का रास्ता अपनाना चाहिए। यह मामला इतना विवादित है कि सरकार का जवाब सदन में क्या आएगा इसका इंतजार सभी को है। उधर बिहार विधान परिषद में आज 11 बजे ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी। शुक्रवार होने के कारण सदन की कार्यवाही 1 घंटे पहले शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार को कई ध्यानाकर्षण सूचना ऊपर सदन में जवाब देना है। इनमें स्थानीय निकाय के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि के मामले और वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थानों में वेतन भुगतान में देरी जैसे मामलों पर सरकार को जवाब देना है। दोनों सदनों में आज की कार्यवाही खत्म होने के साथ मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा। तो इस 5 दिनों के छोटे मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज जब 11 बजे से विधानसभा और विधान परिषद दोनों की कार्यवाही शुरू होगी तो आज कई महत्वपूर्ण जो कार्य है वो निपटाए जाने हैं। उसके बाद आज मॉनसून सत्र फिर खत्म हो जाएगा।